सभी को नमस्ते और मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक। आवाज आ रही है क्या सभी को? मैं आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। डॉक्टर निशान टाक, इंटरनेशनल फोरम फॉर होम्य फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 577 दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। फॉरम में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी का ज्ञान का आदान प्रदान करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ और मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर शीतल बिद्री मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को आज के गेस्ट डॉक्टर शीतल बिद्री मैम का परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर शीतल बिद्री मैम इज ए पैशनेट होम्योपैथ एंड होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर, ग्रेजुएट BHMS इन 2015 एंड MD होम्योपैथी इन पीडियाट्रिक इन 2018 फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर। इंस्पायर टू परस्यू होम्योपैथी एट ग्रेटर हाइट बाई लर्निंग अंडर वेरियस डॉक्टर इन बैंगलोर, पुणे, मुंबई, कोलकाता। ही हैज बीन इंस्ट्रूमेंट इन एडिटिंग सम होम्योपैथी बुक्स रिटन बाई मिनट ऑथर इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी। हैज वर्क विद इनेट डॉक्टर स्पून इन सरकार हु हैंडल वेरियस फॉर्म ऑफ कैंसर थ्रू होम्योपैथी एंड होलिस्टिक प्रैक्टिस। करंटली ही प्रैक्टिस इन बैंगलोर हैप्पी हीलिंग होलिस्टिक होम्योपैथी क्लिनिक सर्विंग द ह्यूमन इन नीड लोकली एंड ऑल ओवर ग्लोब बाय ऑनलाइन कंसल्टेशन फॉर ओवर 10 ईयर प्लस एंड पैशनेट इन डेप्थ शेयर एक्सपीरियंस एंड ब्रेक मिथ ऑफ होम्योपैथी। हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2 सीजन ऑफ कंडक्टिंग ए कंसिस्टेंसी मॉड्यूल फॉर होम्योपैथिक स्टूडेंट कॉल्ड 7 डेज 7 रेमेडीज वेयर सी इंक्रेज होम्योपैथ टू अडॉप्ट डेली रीडिंग हैबिट टू इम्प्रूव नॉलेज एंड प्रैक्टिस ओवरऑल। सी इंडल्ज इन ए गुड फिटनेस रूटीन ऑफ वॉकिंग रनिंग योगा इंस्पायर मैनी मोर टू डू सम बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल। सी फोकस ऑन ट्रीटिंग पेशेंट इन होलिस्टिक अप्रोच कीपिंग द माइंड बॉडी एंड सोल इन सिंक विथ होम्योपैथी ए गुड डाइट एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। आज का हमारा जो टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट केसेज इन पीडियाट्रिक पेशेंट। अब मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करता हूँ कि कृपया आज का व्याख्यान प्रारंभ करें। धन्यवाद डॉक्टर सयानी को मैं फर्स्ट थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया। मैं थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस में सीख पाई हूँ सबके साथ ऐसे शेयर कर सकती हूँ मैं, और देखते हैं कि क्या सीख सकते हैं साथ में। मैं चैट बॉक्स ओपन रखना चाहूंगी, अगर कुछ बातचीत कर सकते हैं, इंटरैक्शन कर सकते हैं, रेमेडीज डिस्कस कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटरैक्शन में हम सब सीख सकते हैं थोड़ा बहुत। तो धन्यवाद IFPH को कि इतना कंसिस्टेंटली आप हर दिन कुछ ना कुछ हम सबको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं इतने सारे स्पीकर्स के साथ। आज का शुरू करते हैं। मैं थोड़ी बहुत अक्यूट केसेस शेयर करना चाहूंगी और आई एम सॉरी, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस मैम, दिख रहा है। जी ठीक है, ओके। शायद मैं आप लोग को नहीं देख पाऊंगी, पर अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज बता सकते हो आप चैट बॉक्स में, मैं देख के बता दूँ। तो शुरू करते हैं। आज आज का क्या मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हम अक्यूट केस में क्या देखना चाहेंगे फर्स्ट, और एज अ होम्योपैथिक पीडियाट्रिशियन हमको क्या क्या खूबियाँ रहना चाहिए, और अक्यूट केसेस में वो जो चीज जो हमको मेनली मेन पिलर्स जो हमको कंसिडरेट करना पड़ेगा बच्चों में स्पेशली, वो हम डिस्कस करेंगे, और कैसे हम एक प्रिस्क्रिप्शन पे आएंगे,
दो तीन केसेस के साथ हम समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं एक दो रेमेडी। कुछ क्वेश्चंस है तो एंड में ले लेंगे क्योंकि आपका स्क्रीन चला गया है। और अक्यूट केस के बारे में अगर बताना चाहेंगे तो हैनमन ने बहुत बहुत अच्छे से समझाया है हमको कि अक्यूट केसेस क्या है, जो तुरंत जो हमारे वाइटल फोर्स को एकदम से डिरेंज कर सके या फिर अफेक्ट कर सके, उससे हम अक्यूट डिजीजेस में पहुंचते हैं। और इसको टैकल करने के लिए एज अ होम्योपैथ हमको क्या क्वालिटीज रहना चाहिए, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हैनेमन से सीखेंगे। हैनेमन का जो अफोरिज्म जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में उन्होंने बोला है कि एक फिजिशियन को एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देख रहे एक-एक पेशेंट को बायस मतलब प्रिजुडिस उससे तो हमको मुक्ति पाना चाहेंगे, और पूरा साउंड सेंसेस मतलब हर आंखें साइट हियरिंग विजन नो सब कुछ तो हमको एकदम से चुरुक रखना है। एंड अटेंशन एंड ऑब्जर्विंग, जो हम देख पा रहे जो ऑब्जर्व कर पा रहे जो सुन पा रहे, नॉट जस्ट जो जो बेबी है हमारे सामने और इवन द मदर पेरेंट्स जो अब आ रहे बाजू में, ऑब्जर्व करने की कोशिश करें और जो पूरी की पूरी जो पिक्चर है हमारे सामने उसके उस पिक्चर में ठीक से उसको एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए, एक पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाने के लिए थोड़ा तो हमको निष्ठा रहनी चाहिए। और इससे हम एक केस को ठीक से ले सकते हैं, और केस लिखने तो हम सबको पता है कैसे लेना है, पर थोड़ा बहुत हम डिस्कस मैं डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट टू नो अ लिटिल बिट। एंड हमारे जो पायनियर्स है या फिर हमारे जो ऑथर्स है उन्होंने बहुत अच्छी तरह के तरीके से बहुत सारे लिटरेचर में बहुत ही ऐसे टिप्स दिए गए हैं वे वी कैन अंडरस्टैंड कि एक केस कैसे ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोगर को कोट करना चाहूंगी कि उन्होंने बोला है कि द स्पिरिट ऑफ अ क्लिनिकल सिम्टम पिक्चर इज बेस्ट ऑब्टेन बाय आस्किंग द पेशेंट टू टेल हिज ओन स्टोरी वेन एवर इट दिस इज पॉसिबल। सो ही ऑल्सो केयरफुली सेज वेन एवर दिस इज पॉसिबल, है ना? तो जब भी हमको मौका मिले पेशेंट को बात करना देना चाहिए। पर हम तो अभी पीडियाट्रिक पेशेंट्स के साथ बैठ रहे, बच्चे हार्डली बोलते हैं, हार्डली कुछ बता पाएंगे कि उनको क्या हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम सुनेंगे माँ बाप के साथ। पर उन्होंने जो बोगर डॉक्टर बोगर ने जो गाइड दिया है हमको कि वो ऑल्सो बोलते हैं कि दिस अकाउंट इज एम्पलीफाइड मोर एक्यूरेटली डिफाइंड बाय क्वेश्चनर। तो जो भी हमको पिक्चर मिलेगा, जो भी हमको ऑलरेडी एक स्टोरी बताया गया होगा, जो हमारे पेरेंट हो अटेंडर हो या फिर मोस्ट प्रोबेबली नैनी रहेंगे या फिर ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे कि माँ बाप तो मोस्टली आर नॉट अवेलेबल वाइल दे आर ग्रोइंग और वाइल दे आर ड्यूरिंग द डे दे आर ओनली सीइंग देम इन द नाइट टाइम। तो जो हम डे टाइम में जो सिम्टम रहेंगे वो रात में सिम्टम तो नहीं रहेंगे। तो एक पिक्चर लाने के बाद, एक पिक्चर पूरा मिलने के बाद हम एक एज अ क्वेश्चनर इसको हम और बेहतर बना सकते हैं, इज वॉट बोगस ट्राइंग टू से। तो हम कोर्स कोर्स ऑफ द सिकनेस फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉज जो है कॉज एंड कोर्स ऑफ द सिकनेस, जो क्या कहाँ से ये शुरू हुआ है और क्यों ऐसा ऐसा सिम्टम आया है या फिर क्या हुआ, फर्स्ट सिम्टम क्या था, उसके बाद क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया, उसको क्या चाहिए। सो देन थिंग्स विल टू विच ही विल एड द थिंग्स विच नाउ सीम टू इंटरफियर द सफरर्स कंफर्ट। जो सफरर है हमारा जो बच्चा है ही इज नॉट एट ईज, दैट इज वाई वी हैव दिस ईज। सो जो कुछ भी जो कंफर्ट को डिस्टर्ब कर रहा हो या फिर इंटरफियर कर रहा हो या फिर उसको अच्छे से
फॉर एग्जाम्पल अच्छे से सांस लेने नहीं दे रहा हो, या फिर सोने नहीं दे रहा हो, या पेट में दर्द हो रहा है, तो उसको हम एम्पलीफाई करेंगे कैसे? पहले तो हम कॉज पूछेंगे, क्यों हुआ है और क्या क्या हुआ है, कोर्स क्यों और क्या क्या. सो फर्स्ट वी कैन स्टार्ट आस्किंग अबाउट इट. पर उन्होंने ऑल्सो कितना अच्छे से हमको गाइड किया है कि नेचुरल मॉडिफायर्स जो है, स्पेशली शुड द नेचुरल मॉडिफायर्स ऑफ सिकनेस एंड द मोडालिटीज बी वेरी डेफिनेटली असर्टेन. जो कुछ जो हमारे नेचुरल बॉडीली अफेक्शंस हो, जो हमको दिखने मिलता हो और फील करने, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सिम्टम जो है, जो नेचुरल मॉडिफायर ऑफ सिकनेस, उसकी जो मोडालिटीज है, हमको एक गाइडलाइन दिया गया है कि क्या क्या पूछ सकते हैं, विच मेक्स केस टेकिंग बहुत ही आसान. सो केस टेकिंग को आसान करने के लिए हमारे सब पायनियर्स ने कुछ कहीं तो दिया है, हमको सिर्फ देख के इनकलकेट करना पड़ेगा हमारे प्रैक्टिस में. सो व्हाट बोगर सेज, क्या क्या पूछ सकते हैं जो इजी होगा, कि टाइम कब हो रहा है, या क्या किसी किसी को मून फेस रहेंगे, किसी किसी को सुबह दोपहर शाम में क्या होंगे. वी नो दैट यू नो सल्फर को सुबह एग्रेवेशन है, या फिर 4 PM एग्रेवेशन हो, मून फेस एग्रेवेशन हो. मोडालिटीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. टेम्परेचर, टेम्परेचर हियर ही मीन्स बॉडी में कहाँ कौन से टेम्प. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन इंटरप्रेट इट इज इन बोथ द वेज. थर्मली उनको क्या पसंद है, क्या बर्दाश्त कर पा रहे, गर्मी या ठंडी. उसके ऊपर उनके बॉडी का टेम्परेचर, आई वुड लाइक टू सी बॉडी में टच करके देखो कि कहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है. बेल्डोना के बच्चों में बहुत ज्यादा यहाँ पे हीट रहेगा, या फिर यू नो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं. तो डिफरेंस इन टेम्परेचर इन द बॉडी, पूरा अगेन एग्जामिनेशन मेक्स एन इम्पॉर्टेंट. इनको क्या पसंद है, अंदर रूम में रहना पसंद है या ओपन एयर में पसंद है, कैसे वो बैठ रहे हैं, कैसे वो सो रहे हैं, कहाँ पे सो रहे हैं, लाइट में सो रहे हैं, अकेले सो रहे हैं, या फिर रेस्टलेसली सो रहे हैं, या फिर कैसे बैठा है. अंधेरा चाहिए, पूरा लाइट चाहिए, क्या खाने का मन हो रहा है, क्या पीने का मन हो रहा है, उसको लाइक एंटिम टच एग्रीवेशन हो रहा है, एंटिम क्रूड की तरह लुक एग्रीवेशन हो रहा है, या फिर प्रेशर चाइना की तरह टच एग्रीवेशन प्रेशर एम्बलरेशन हो रहा है. कभी कभी कोलिक में आ जाएंगे कि टच एग्रीवेशन रहेगा और प्रेशर एम्बलरेशन रहेगा. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग और डिस्चार्जेस कैसे हैं हमारे. सो मोस्टली जो डिस्चार्जेस का कैरेक्टर, थिकनेस, कलर, इफ इट इज गिविंग एनी रिलीफ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे हमारे केस टिकिंग में. क्योंकि जो हम केस टिकिंग लेंगे ना, दैट हिंट्स अस क्या रेमेडी दे सकते हैं हम. पर मोस्ट ऑफन क्या होता है कि पीडियाट्रिक केसेस में तो केस टेकिंग हार्डली हो जाता है, क्योंकि बच्चे तो बात नहीं करते. पेरेंट्स समटाइम्स समटाइम्स बोलूंगी मैं कि एग्जैजरेट करने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहेगा. बट जो आपको दिख रहा है, क्या उनको पसंद है क्या नहीं. आई स्टिल रिमेम्बर एक चाइल्ड को, द चाइल्ड इज क्रैंकी 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 सो मच. ठंडी में आए थे वो लोग, एंड आई जस्ट टोल्ड दैट मदर, पूरा वो जो रैप किया गया है उसको निकाल दीजिए, मेरे को एग्जामिन करना है. एज सून एज वो रैप अप, जो बेबी था, जो स्वॉडल हम बनाते हैं बेबी को, उसमें जब करने के बाद, उसको निकालने के बाद, द चाइल्ड स्टॉप बींग क्रैंकी. सो मदर वॉज फीलिंग कोल्ड, बच्चे को ठंडी लगी नहीं रही थी, बट मदर, माँ को ठंडी लग रही है तो बच्चे को उठ दिया. तो फिर व्हाट यू आर एबल टू सी, आपके सामने जो मिल रहा है आपको केस, दैट इज बहुत ही ज्यादा डिक्टेट करता है आपके रेमेडी के ऊपर. तो इनके जो जो बोगर के जो स्टूडेंट है, आई रियली अडोर हिज लिटरेचर, बोगर ऑल्सो. पर मैं एक शब्द जो पाठक सर ने बताया गया है कि प्रिस्क्राइबिंग इन होम्योपैथी इज बोथ साइंस एंड आर्ट.
So not just the science, not just the whole system being science and art, but the prescription also, जो हम दवाई देते हैं उसका एक आर्ट रहता है. बट ये फाटक सर जो बोलते हैं कि द आर्ट इटसेल्फ इज डिफिकल्ट. तो अ गुड केस टेकिंग, साउंड नॉलेज ऑफ मेटीरिया मेडिका एंड स्किलफुल यूज ऑफ रेफरेंस बुक आर थ्री प्रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड गुड प्रिस्क्रिप्शन. सो हमारे सारे प्रायनियर्स के आशीर्वाद के साथ हम आई वुड लाइक टू फर्दर मूव फॉरवर्ड. फाटक सर के ये शब्द मेरे को बहुत ही बहुत ही बहुत ही मोटिवेट किए कि मेटीरिया मेडिका ठीक से पढ़े फर्स्ट ऑफ ऑल, और कैसे पढ़े और कैसे हम सोर्स बुक या फिर रेफरेंस बुक को कैसे अप्लाई करें हमारे केस टेकिंग के ऊपर, और कैसे हम एक गुड केस टेकिंग लेने की कोशिश, हमेशा केस टिकिंग तो कोशिश ही रहेगा, इस कोशिश में हम कितना कामयाब होते हैं वो फॉलोअप में ही पता चलता है. सो हम फॉलोअप पे ज्यादा ध्यान देंगे और फिर वी कैन री एनालाइज द केसेस, हाउ वी आर एबल टू गिव मोर एंड मोर रिलीफ हमारे पेशेंट्स को. एंड ऑफ द स्टोरी इज एंड ऑफ द डे हमारे जो पेशेंट्स को रिलीफ मिलना है वही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. सो इससे आगे लेट्स जस्ट गिव अ ब्रश थ्रू अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ होम्योपैथिक मेडिटेशन जो हमने ऑलरेडी बताया गया है, पर एज अ यू नो जो हमको साउंड सेंसेस इतने जागरूक रहना चाहिए हमको. सो ऑलवेज वी हैव टू गो एंड इंटरोगेट लाइक अ डिटेक्टिव. एंड हमारे चिल्ड्रन जो है वेरी यूनिक है, हर एक चिल्ड्रन रिक्वायर डिफरेंट रेमेडीज. दो सिम्टम तो नहीं दो पेशेंट दो दो चाइल्ड को सेम मेडिसिन तो नहीं मिलेगा. इंडिविजुअलिटी की तो मैं बात कर भी नहीं सकती, क्योंकि यू ऑल नो यू आर ऑल अवेयर अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअलिटी इज. सो बी पेशेंट विथ ईच चाइल्ड, हर एक बच्चा यूनिक है. जस्ट ऑब्जर्व, आपके आंख कान सब कुछ खुले रखो, पिकअप जो भी सेंसिटिविटी है. लाइक एग्जाम्पल जो मैंने स्वाडल का बोला, क्या आपको दिख रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिल जाए, और एक्साइटिंग फैक्टर्स जो है वो एलिसिट करना मत भूलिए, और कैसे वो चाइल्ड इज एंगेजिंग या फिर आपको कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, मदर को कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, ये सब देख के आप ऑब्जर्व करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. एंड इससे आगे जाने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी कि कॉमन एलिमेंट्स अक्यूट में आप क्या क्या देख सकते हो आपके क्लिनिक में. व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स? आई विल लुक फॉर द चैट बॉक्स क्विकली. आप दो तीन मेरे को कॉमन एलिमेंट्स बताइए कि क्या हो, चैट बॉक्स में डालिए कि व्हाट आर द कॉमन कंप्लेंट्स अक्यूट्स आपके क्लिनिक में जो आते हैं. कॉफ और क्या आते हैं, पेन अपडोमिन, एलर्जिक राइनाइटिस और सो दीज आर द मोस्ट कॉमन. रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स तो बहुत ही ज्यादा आएंगे, और स्नीजिंग, स्नीजिंग के बहुत आते हैं, स्किन डायरिया. बिल्कुल बिल्कुल. एक ओवरव्यू जो हम देखते हैं यूजुअली जो हम होम्योपैथी में बहुत ज्यादा रिलीफ है, कॉमन कोल्ड, कॉफ, सोर थ्रोट, ईयर पेन, कोलिक, कॉन्स्टिपेशन हो, फसी इटर्स हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, स्किन कंप्लेन, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा कॉमन है. हर एक पीडियाट्रिशियन को ये आते ही है, पर एज अ होम्योपैथ ये सब तो हमको पता है कि दिस इज द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इनसाइड, राइट. तो अंदर की बात जो है सिर्फ हम होम्योपैथ ही समझ सकते हैं. जो अंदर की बात है वो एलिसिट करना मत भूलिएगा, जो हम सिर्फ हम ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेचर ऑफ द चाइल्ड, अगर वो शाय है, एक्सट्रोवर्ट है, यू नो डल है, सेंसिटिव है, या फिर वो एक्चुअली उसको है नहीं कुछ भी, बट ही इज जस्ट एक्टिंग कि है उसको, या फिर ठीक से खा नहीं रहा है, मूड वाइज ऊपर नीचे हो रहा है, या फिर हमेशा कंप्लेन कर रहा है, गुस्सेदार है, चाहे झूठ बोलने की संभावना है,
या फिर आई कांटेक्ट नहीं रहेंगे, सिबलिंग राइवलरी रहेंगे. सो ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग दैट वी विल एज होम्योपैथ आइडेंटिफाई, राइट? सो हैविंग सेड दैट, वी शैल जस्ट गिव अ ब्रश ओवर मेन पिलर्स ऑफ अक्यूट केसेस. ये मैंने इंग्लिश सेशन में भी बनाया, पूरे डिटेल में लिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक एंड टू IFPH यूट्यूब चैनल एंड गो थ्रू द पिलर्स ऑफ अक्यूट केसेस इन डिटेल, जो मैं बहुत ही डिटेल में बताई गई हूँ उस वीडियो में. आप जाके देख सकते हैं, वो वाले रहेंगे ऑब्जर्वेशंस, इम्यूनाइजेशंस, एलिमेंट्स फ्रॉम एन एग्जामिनेशन. इसका एक मैंने ब्रीफ तो दे दिया है यहाँ पे. एंड जो हम ऑब्जर्वेशंस का बात कर रहे हैं तो बता दिया कि कितना हमको साउंड सेंसेस रहना चाहिए. इम्यूनाइजेशन एंड इलमेंट्स इज वन ऑफ द कॉजिटिव फैक्टर, जो हमने बोला था स्टार्टिंग में, जो कॉज एंड कोर्स ऑफ द डिजीज एंड जो हम देख पा रहे हैं एज वी आर एग्जामिनिंग द चाइल्ड, जो हम देख पा रहे हैं. क्योंकि एक हफ्ते पहले ही हमने एक पेशेंट देखा था जो उसको कॉफ स्टार्ट हो गया था आफ्टर 2 to 3 days आफ्टर इम्यूनाइजेशन, एंड ही डिड रियली वेल विथ एंटीमटार, एंड वी वर एबल टू एलिसिट इट ओनली आफ्टर आस्किंग इट रिपीटेडली कि हाँ वैक्सीनेशन हुआ था 2-3 दिन पहले, फिर बाद में ये दिया. एंड ऑल्सो अगर लेट्स से इफ इट वॉज नॉट दैट कॉजेशन हमने यूटिलाइज नहीं किया था कि वैक्सीनेशन के बाद हुआ था, आई वुड हैव हैड अ स्टैंड स्टिल. बहुत सारे केसेस में मेरे को रिलीफ नहीं मिलता है व्हेन आई डू नॉट एड्रेस द कॉज, एंड बाद में पता चलता है कि क्या हुआ था कि उनको नहीं मिला हो, उनको नहीं रिलीफ नहीं मिला हो. तो आप जरूर देखिएगा, अगर कुछ डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हैं एंड बता सकते हैं कि कैसा लगा, कि क्या उसमें हम क्या कंसिडर कर सकते हैं. सो आज के इस वेबिनार में थोड़े बहुत केसेस शेयर करना चाहूंगी जो अक्यूट क्लिनिक में आते हैं. मैंने ऐसे ही जो मेरे केस नोट्स में है ऐसे ही मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाला हुआ है. थोड़ा अगर कुछ मिस्टेक हो गया मेरे से तो प्लीज करेक्ट कर सकते हैं या फिर माफ कर सकते हैं मेरे को. पर मेरे अंडरस्टैंडिंग में, मेरे जो अंडरस्टैंडिंग में मैंने जो मुझे जो समझ में आया और प्रिस्क्राइब किया उससे मैं आपको शेयर करना चाहूँगी. एंड पहला जो है केस है 15 मंथ्स बॉय का है. वो उल्टियाँ आ रही थी एक दिन से, बहुत सारे उल्टियाँ, और 3-4 बार तो हो गया था. माँ ने बोला था कि पित्त की तरह आ रहा है, ऐसा सोपी सोपी आ रहा है और पित्त की तरह येलोइश आ रहा है. पित्त बोल तो बाइल बेसिक, और द मेन कंसर्न जो माँ को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो गया था कि बच्चा मोशन पास नहीं कर रहा था, बच्चा यूरिन पास नहीं कर रहा था, कुछ खा भी नहीं रहा था, और बच्चे को एलोपैथिक दवाई दी गई थी पर थोड़ी देर के बाद वापस शुरू हो गया. लास्ट एक दो बार उन्होंने एलोपैथिक दवाई से ठीक हो गया था एक दिन पहले, पर नेक्स्ट डे जब वो मेरे पास आए थे वापस से वॉमिटिंग शुरू हो गया था. और माँ को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे कि मोशन पास नहीं कर रहा है, यूरिन पास नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है, और टुकड़े टुकड़े में जो खा रहा था वो भी उसको वॉमिट हो रहा है. तो फिर मैंने कितनी बार कोशिश किया कि एलिमेंट्स फ्रॉम क्या हो सकते हैं, और 15 महीना का ही है बच्चा, तो फिर क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है. फिर सिर्फ बोला कि बाहर खेलने गया था, पता नहीं कहाँ पे पता नहीं उसमें कुछ ऊंच नीच हो गई हो. सिर्फ नया जो खाना दिया गया था वो कर्ड्स के फॉर्म में दिया था, पर ऐसा नहीं है कि कर्ड कल एक दिन पहले दिया था, उससे 2-3 दिन पहले ही दिया गया था. तो मेरे को उतना उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा, पर भी मैंने उसमें देखेंगे अगर वो वाला केस टेकिंग में कुछ आगे आगे आएगा तो हम देखेंगे. फिर से भी मैं पूछने लगी कि 15 महीना का हो गया है, अभी अभी
चलना स्टार्ट किया है, और अभी अभी 1 महीने से थोड़ा थोड़ा जो डेंटिशन है थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होने वाला है, और स्लीप पूरा नहीं हो रहा है, और उठ जा रहा है रात को, पानी भी नहीं पी रहा है, और हार्डली ईटिंग एनीथिंग। बच्चा बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस है, क्रैंकी है, सुन नहीं रहा है क्या चाहिए, बता नहीं रहा है, बहुत ही ज्यादा रोता है। और जब मेरे क्लिनिक में भी आया था तो बहुत ही जोर से रो रहा था, कुछ एग्जामिन नहीं कर पा रहे थे या फिर देख नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। मेरे को पैल्पेशन करने के लिए भी, एब्डोमेन देखने के लिए भी मेरे को मौका भी नहीं दिया गया। तो ये था मेरा केस एक ब्रीफ में, क्योंकि अभी अक्यूट है तो लाइक हैनमन सेज कि इट डिरेंजेस, हैनमन जो बोलते हैं कि इट डिरेंजेस द वाइटल फोर्स वेरी स्विफ्टली, मतलब बहुत ही जल्दी से वो वाइटल फोर्स कम हो जाता है। तो हमको भी शायद कुछ लॉन्ग केस लेने की टाइम भी नहीं रहेगा, और हम क्या ज्यादा से ज्यादा इलिसिट कर पाओगे उसके ऊपर हम क्या दे पाएंगे, हम वो कोशिश करेंगे। एंड इस केस में आपको क्या लगता है हम क्या रेमेडी दे सकते हैं? मैं वापस चैट में देखना चाहूंगी क्या रेमेडी दे सकते हैं। चैट बॉक्स में एनी सजेशन डाल सकते हो कि इसमें रेमेडीज क्या क्या आ सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम बोल रहे हैं, कैमोमिला बोल रहे हैं, बिल्कुल, और व्हाट एल्स, एटूजा वेरी गुड, कैमोमिला वेरी गुड, और क्या दे सकते हैं? तो मेरे मन में भी यही एक दो रेमेडीज आ गए, और जो मेरे को लगा कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है मैंने सब कुछ रेपर्टराइजेशन में डाल दिया, क्योंकि एक गाइड तो मिल जाएंगे हमको कि एक रेपर्टरीशिप में क्या क्या रेमेडीज आ रहे हैं। तो मैंने जो रूब्रिक्स लिया है यहाँ पे इज स्टमक, मैंने सिनर्जी होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर लिया है, और उसमें कंप्लीट रेपर्टरी 2018 का, उसमें वॉमिटिंग इन चिल्ड्रेन, वॉमिटिंग, डेंटिशन एग्रेवेशन। मैंने ये वाला रूब्रिक क्यों लिया, क्योंकि वो 1 महीने से ही मैं उनको बच्चे को डेंटिशन चालू हुआ है, और इसीलिए मैंने ये वाला रूब्रिक भी ऐड किया गया। और वॉमिटिंग, ड्रिंकिंग एग्रेवेशन इमीडिएटली, वॉमिटिंग फ्रॉथी फोमी, वॉमिटिंग येलो, रेस्टलेसनेस नर्वसनेस इन चिल्ड्रेन, एंड वीपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रेन। सो ये वाले टोटैलिटी में मेरे को इतुजा, एपिकैक, एंटम टार्ट, वेराट्रम एल्बम, ये वाले रेमेडीज आ गए। मोस्टली मैंने पर्टिकुलर्स लेके किया है रेपर्टराइजेशन। तो इसमें मेरे को इतुजा सबसे सबसे बेहतरीन रेमेडी ऑफ चॉइस लगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा इतुजा के बारे में थोड़ा पढ़ा और देखा कि फाटक, मैं जो मेरा फर्स्ट रेफरेंस ऑफ बुक इज फाटक, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रीड मोर फ्रॉम फाटक सो दैट आई लर्न व्हाट ही हैज आइडिया ऑफ एवरी रेमेडी। तो उसमें मेरे को दिखाया गया कि परफेक्ट पिक्चर ऑफ स्टमक में जो लिखा गया है, निबलिंग एपेटाइट, अगेन एथुजा हैज हेल्प मी टू करेक्ट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो जिसके फसी ईटर्स बोल सकते हैं, या फिर खा नहीं पाते, मिल्क पी नहीं सकते। सो हियर ऑल्सो वी हैड दिस वॉमिटिंग इमीडिएटली, हियर ऑल्सो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वॉमिटिंग ऑफ फ्रॉथी मैटर वाइट एज मिल्क और येलो फ्लूइड। सो रीगर्जिटेशन ऑफ फूड अलॉन्ग फूड लॉन्ग आफ्टर ईटिंग, स्टमक फील्स टर्न अपसाइड डाउन, डाइजेशन अफेक्टेड, ब्रेन एग्जॉशन एंड रेचिंग। सो इसमें ये वाला तो कंफर्म हो गया कि वॉमिटिंग बिल्कुल है ही है। और येलो ऑल्सो जो स्टूल्स में बताया गया है कि ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, लाइक विद द फीलिंग एज इफ ऑल एक्शन ऑफ द बाउल्स हैव बीन लॉस्ट,
सो ये वाले जो सिम्टम मेरे को लगे विच परफेक्टली मैच्ड माई 15 month old बॉय, तो मैंने उसको बिल्कुल ए टू जेड दिया. समबडी ऑलरेडी गेस्ट. इंटरेस्टिंग जो बात है इस केस का कि यू नो द चाइल्ड वॉज द मदर वॉज ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ स्मॉल बॉटल, और उस बॉटल द चाइल्ड इज ऑफकोर्स नॉट एबल टू एक्सेप्ट लेगा, तो देर इज नो आस ही नहीं है कि क्रेविंग ही नहीं है कि कुछ पिए कुछ खाए कुछ करे. पर मैंने जो किया किया इट वॉज 200 मैंने वाटर डोज में 2 बूंद ही डाले उसके, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाटर बॉटल में सिर्फ 2 बूंद डाले उसमें, और मैंने बोला कि हर 4 घंटे में उसको देना, सिर्फ एक ही दिन में, सिर्फ एवरी 4 घंटे में, सकशन करने के बाद एवरी 4 आवर्स 1 सिप. अगर उसने थोड़ा भी टच किया तो भी बस है. जस्ट गिव दिस वाटर डोज, मैंने बॉटल में दे के आई सेंड देम अवे. इट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट वो लोग, एक्चुअली ब्यूटिफुल नहीं था पर इट वॉज माई लक कि द चाइल्ड गॉट बेटर, पर मेरे को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या उसके बाद. दे केम इन फॉर द मदर सम अदर टाइम लेटर ऑन, एंड तभी मेरे को इस चाइल्ड का फॉलोअप पता चला, एंड द फॉलोअप वॉज सो ब्यूटिफुल विच रियली मेड माई डे एंड मेड माई जो एथुजा का लर्निंग है मेड मी फील सो गुड एंड प्राउड टू बी अ होम्योपैथ ऑल्सो. बिकॉज हमारे जो होम्योपैथिक रेमेडी की इतने द पावर ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी इज सो अमेजिंग कि इट मेक्स मी बिलीव कि हर दिन पेशेंट ही मेरे को बिलीव करवाते हैं कि हाँ होम्योपैथी वर्क्स सो वेल. सो बाय द टाइम दे वेंट होम द चाइल्ड वॉज एक्टिव प्लेइंग नॉट क्रैंकी, एंड चाइल्ड पास्ड यूरिन 10 मिनट्स पोस्ट द फर्स्ट डोज, उनके कार में ही हो गया, और चाइल्ड पास्ड स्टूल्स 1 आवर पोस्ट द फर्स्ट डोज. उन्होंने सिर्फ एक दो बार ही पिलाया वो पानी, वॉमिटिंग तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, और वॉमिट वापस नेक्स्ट डे भी नहीं हुआ, थोड़ा भी नहीं हुआ या फिर ज्यादा भी नहीं हुआ. सो द एफिकेसी जो है हमारे होम्योपैथिक रेमेडी, इफ इट इज प्रो इफ वी प्रिस्क्राइब करेक्टली, इट बिकम्स सो अमेजिंग कि 10 मिनट में देर वॉज नेचुरल एलिमिनेशन इज अ गुड साइन. उसका ही हैडन पास्ड यूरिन फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 24 आवर्स, एंड 24 I'm sorry, more than 12 to 15 hours, and in 10 minutes the first dose के बाद जो urine pass हुआ, just listening to the follow up from the mother, मेरे को बहुत ही अच्छे vibes आए. I felt really good about the follow up and felt really good about homeopathy also. So this is the gist of the first case. Is this of यूटिलिटी आपको? आर यू गाइस देयर? आप सो तो नहीं गए हो? चैट चैट बॉक्स में बताइए कि बहुत बढ़िया जा रहा है, सब लोग बहुत अटेंटिव हैं, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब वो दे चुके हैं। आप कंटिन्यू कीजिए। तो अगले केस पे जाएंगे हम, विच इज आल्सो अ वेरी नाइस केस. मैं थोड़ा ओल्ड केस डाला है. ड्यूरिंग पैंडेमिक 4 year old बॉय का कंसल्टेशन है. तो पैंडेमिक के टाइम पे इस चाइल्ड को अगेन आई हैव टेकन वॉमिटिंग ओनली. ओनली थिंग टू से कि टू नो टू चाइल्ड आर सेम. इसमें सिर्फ कफ निकल रहा है, उल्टिया में सिर्फ कफ, और थोड़ा बहुत फीवर स्टार्ट हो गया था. तो मदर बिफोर दे गॉट माई अपॉइंटमेंट दे हैव गिवन कैल्पॉल ऑलरेडी. द चाइल्ड इज मोस्टली स्लीपी, उसको रहा पूरे दिन सो ही रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी से कुछ खेल नहीं रहा है. वॉमिटिंग हो रही है, सिर्फ कफ की वॉमिटिंग हो रही है, और कुछ खा नहीं रहा है वापस. दैट्स द फर्स्ट थिंग. तो थर्स्ट ओके है, पानी भी ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं पी रहा है. टंग इज कोटेड थिक वाइट एंड बाउल्स आर पास्ट रेगुलरली एंड स्लीप इज गुड. मतलब
पूरा दिन उसको डलनेस रही है. मोर देन द मदर वॉज टेलिंग कि स्लीपी है बच्चा, पर ऑन सीइंग ऑन वीडियो आई फेल्ट कि बच्चा डल है. ही इज नॉट एबल टू कीप हिमसेल्फ एक्टिव एंड ही इज फीलिंग, ही इज लेथार्जिक, ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग ऑल्सो. तो फिर कुछ ज्यादा एलिसिट करने भी नहीं हो रहा है क्योंकि द चाइल्ड इज मोस्टली स्लीपी थ्रू द डे बट ऑल्सो वॉमिटिंग वेन एवर ही इज ईटिंग समथिंग. डल थ्रू आउट द डे ऑन अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है क्योंकि ही वॉज नॉट यू नो रेस्पॉन्डिंग टू मी और टू द पीपल अराउंड हिम. एंड इट्स इवन डिफिकल्ट जब वीडियो कॉल पे रहता है. तो समझने के बाद जो मम्मी पापा उनके जो मम्मी पापा है दे वर ऑन डिफरेंट कैमरा एंड द चाइल्ड वॉज इन डिफरेंट कैमरा विथ द ग्रैंड पेरेंट्स. मदर इज इन डिफरेंट कैमरा, फादर इज इन डिफरेंट कैमरा. तो मैंने पूछा कि ये क्या सेटअप है, क्यों सब लोग सब जगह क्यों है. तो फिर समझ में आया कि दोनों जो जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं दोनों को कोविड पॉजिटिव आ गए एंड दे वर आइसोलेटेड एंड द चाइल्ड वाज विद द ग्रैंड पेरेंट्स टू अवॉइड एनी फर्दर इन्फेक्शन. और उसमें ही इट वाज द फर्स्ट टाइम कि वो अपने माँ बाप के इतने दूर गया, दूर मतलब दो गली ही दूर, फिर भी माँ बाप के साथ नहीं रह रहा है. सो दैट वॉज समथिंग अ डिफरेंट सिनेरियो उनके लिए जो बच्चा है. पर इस दौरान में ही हैज मिसिंग हिज पेरेंट्स पर उनको बात नहीं कर रहा है. जब भी वीडियो कॉल पे आता है तो पूरे ब्लैंकेट डाल देता है. ही डजेंट वांट टू टॉक, ही डजेंट वांट टू इंटरैक्ट विद देम. उनको मिस बहुत कर रहा है, घर जाने की बोलता है, ही वांट्स टू गो बैक टू हिज प्लेस एंड बट यू नो ही इज नॉट टॉकिंग टू हिज पेरेंट्स. दिस इज द अंडरस्टैंडिंग वॉट आई हैड ऑफ दिस केस. इस केस में आई वॉज वंडरिंग कि मैं कहाँ, बिकॉज जैल्सीमियम लग रहा था मेरे को. जैल्सीमियम उनके पास था ऑलरेडी तो जैल्सीमियम दिया गया था और विथ नॉट मच रिलीफ. जैल्सीमियम वॉज गिवन बिकॉज ही वॉज डल डिजी एंड सम सिम्टम्स वर मैचिंग. बट आफ्टर टॉकिंग टू देम अबाउट दिस सेटबैक, जो हमारा जो इमोशनल साइड दैट वॉज नॉट एलिसिटेड ड्यूरिंग द इनिशियल रेमेडी, दैट देर आई वॉज अ यू नो आई फेल्ड अ लिटिल. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि ये वाला सिम्टम बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन द प्रेजेंटिंग कंप्लेन फॉर मी, क्योंकि बच्चा ऐसे हाइड कर रहा है, बात नहीं कर रहा है किसी से. सो दैट वॉज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो. तो आपको क्या लगता है कि क्या रेमेडी दे सकते हैं इस केस में? कोई बोल रहा है ओपीएम, डॉक्टर श्रीदेवी ओपीएम बोल रही है. और व्हाट अदर रेमेडी, एंटिम टार्ट और व्हाट अदर रेमेडीज कम टू योर माइंड? कार्सिनोसिन, बराइटा काब, वेरी गुड. सो जब लोग जगे हुए हैं आई एम ग्लैड. आर्सेनिक के यादव, यस. और क्या रेमेडी? पर व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग हियर, हाउ डू वी टेक दिस सिम्टम ऑफ हिम मिसिंग हिज पेरेंट्स? व्हाइट कोटेड टंग है तो क्या रेमेडीज मिल सकता है व्हाइट कोटेड टंग के लिए? व्हाट आर द रेमेडीज फॉर व्हाइट कोटेड टंग हो, फिर दिस काइंड ऑफ अ सिम्टम? ऑल्सो वॉमिटिंग है और रहना चाहिए. अच्छा, एंटीम क्रूड, सो डॉक्टर निशांत, डॉक्टर यादव, डॉक्टर नागवेणी, दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट एंटीम क्रूड. सो इवन आई थॉट कि एंटीम क्रूड देना चाहिए ऑल्सो, बट वेरी राइटली सेड बाय डॉक्टर श्रीदेवी, होम सिक ऑल्सो नीड्स टू बी कंसिडर्ड. नाउ इट वॉज वन ऑफ दोज केसेज वेर यू नो मेरे को
डाउट था कि मेरा प्रिस्क्रिप्शन सही है या नहीं. सो व्हाट आई डिड वाज आई लुक्ड इनटू द रेपर्टरी अगेन, और मेरे को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रूब्रिक मिला जिसको आई वॉज स्केयर्ड टू यूटिलाइज. सो इसमें माइंड चैप्टर में जाके मैंने होम सिकनेस, नॉस्टैल्जिया, ड्राउजीनेस, पर्टिकुलरली विथ दिस वॉज द ओवर द रूब्रिक, एंड द ओनली रेमेडी इन दैट वॉज फॉस्फोरिक एसिड. नाउ आई नो दैट यू नो फॉस्फोरिक एसिड हैज अ लॉट ऑफ यू नो एग्जॉशन रहेगा, प्रोस्ट्रेशन रहेगा, एंड होम सिकनेस इज देयर, डेफिनेटली इट्स देयर. एंड इफ यू ओपन फाटक एंड सी द फर्स्ट लाइन इन द जनरल, ही सेज दैट द इमोशनल साइड बींग अफेक्टेड कैन बी वन ऑफ द यू नो इंडिकेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. और उसमें हम देखना चाहेंगे तो इफ यू सी इन फॉस्फोरिक एसिड इन फाटक, ही सेज दैट अनविलिंग टू स्पीक इज द फर्स्ट लाइन, क्वाइट, अनविलिंग टू स्पीक एंड और हेस्टी स्पीक, इनडिफरेंट टू एवरीथिंग, एपेथेटिक फ्रॉम अनइक्वल स्ट्रगलिंग ऑफ एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, मेंटल और फिजिकल. यहाँ पे अनइक्वल स्ट्रगलिंग जो है, जो माँ बाप के बगैर जो रह रहे वो द चाइल्ड इज समथिंग दैट बिकेम इम्पॉर्टेंट. एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो होम सिकनेस विथ इंक्लिनेशन टू वीक, सो द चाइल्ड वॉज मोर और लेस कवरिंग दिस माइंड सेक्शन, विच गेव मी अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ ये वाला रूब्रिक तो मेरे को यूज करना ही चाहिए. कि क्योंकि ड्राउजीनेस भी है, मार्क्ड होम सिकनेस जो है, माँ बाप को जो मिस कर रहा है, वो बच्चा अपने घर को मिस कर रहा है, अपने टॉयज को मिस कर रहा है. तो इस रूब्रिक के मुताबिक आई गेव फॉस्फोरिक एसिड, बट बिफोर गिविंग आई चेक कि उसमें टंग कैसा है, हाउ इज द टंग ऑफ द ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. सो आई पुट दैट रूब्रिक ऑफ नॉस्टैल्जिया विथ ड्राउजीनेस, बट ऑल्सो आई पुट कि माउथ कोटेड टंग है या नहीं. तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड में था, तो फिर आई गेव फॉस्फोरिक एसिड, बट आई ऑल्सो गेव SOS एंटीमोनियम क्रूड 30 पोटेंसी में, सो दैट इफ फॉस्फोरिक एसिड डजेंट हेल्प आई कुड टेल देम टू टेक एंटीम क्रूड, बट आई डिडंट इवन नीड द रिपीटेशन ऑफ मच ऑफ दिस. इतना सारा रेमेडी भी नहीं चाहिए था, बट दिया था हाफ ग्राम में तो 3 बार लेने बोला था, और SP 2 आवरली दिया था फीवर जब था इंस्टेड ऑफ कैलपॉल. तो बच्चे ने बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्ड, अच्छे से रेस्पॉन्ड किया, और वो सिर्फ 2 डोजेज में उसके एनर्जी लेवल्स जो इम्प्रूव हुए, इट वॉज ब्यूटिफुल कि वॉमिटिंग तो रुक गया. मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि वो जब वीडियो कॉल पे आए पेरेंट्स, द पेरेंट्स वर सो हैप्पी कि द चाइल्ड इज विशिंग देम टू यू नो टू गेट वेल सून, ताकि वो घर आ सके, उनके साथ रह सके, उनके साथ खेल कूद कर सकते हैं. तो दैट वॉज सो इम्पॉर्टेंट इन दिस केस, दैट बिकेम एन हाईलाइट, एंड द पेरेंट्स वर ऑफकोर्स वेरी वेरी हैप्पी टू गेट बैक द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द चाइल्ड, दिस नॉट द लेथार्जिक वन, नॉट द यू नो डल एंड ड्राउजी वन. तो दिस इज द टू वॉमिटिंग केसेस, बट टू डिफरेंट अप्रोचेस, टू डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट केसेस, बट सिमिलर टू ऑल दिस थिंग्स वॉट वी स्पोक अबाउट. वन वॉज ऑनलाइन एंड वन इज ऑफलाइन, पर जो है केस टेकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे. उस केस में हम क्या एनालाइज किया, किसको महत्वपूर्ण दे रहे, वो वाला इम्पोर्टेंट था इस केस में भी मेरे को. तो या दिस द एंड ऑफ सेकेंड केस. अगर डॉक्टर सियानी सेज दैट आई कैन गो अहेड, वी हैव 15 मिनट्स टू गो. डॉक्टर सहानी, इफ देर इज टाइम वी कैन टेक अनदर केस. Quick, Yes, should ma'am. I continue? You can continue, ma'am. Do you want to Q&As or you want to should I continue with case? You continue, ma'am. Continue.
without wasting much time, I will take up the third case. This is a very nice case actually. मेरे को बहुत cute लगा, but I know the mother is suffering a lot. 4 साल का बच्चा है, रानी नोज के साथ आए, and they have a history of having runny nose on and off. एलोपैथिक लेते हैं पर कम नहीं होता है, जल्दी से एडवांस हो जाता है, कॉफिंग तक चला जाता है, रात को ज्यादा होता है, सोते ही लेटते ही उसको कॉफ हो रही है, और एक हफ्ते से इचिंग अराउंड द एनस एंड नींद में हंसता है. दिस इज द जिस्ट ऑफ द फर्स्ट थिंग व्हाट द मदर सेड. आई हैव जस्ट कॉपीड इट एज इज. जो भी मदर बोलते हैं इन योर ओन लैंग्वेज आई हैव रिटन. इफ एलोपैथिक नहीं लेते तो इट प्रोग्रेस इज वेरी क्विकली. एंड देन नाउ दिस केस आई वॉन्ट द हुएवर इज जॉइंड इन प्लीज रीड द पूरा केस है तो आप बताइए मेरे को कि क्या रेमेडी आएंगे और गिव मी द रीजन ऑल्सो विद द रेमेडीज सो दैट कि वी विल ऑल्सो लर्न कि क्या हो रहा है यहाँ पे एंड हाउ आई गॉट टू द रेमेडी ऑल्सो. नाउ पास्ट हिस्ट्री में ये है, निमोनिया हुआ था एट 7th month ऑफ हिज एज एंड एपेटाइट कम है. कॉमन थिंग तो रहेगा अक्यूट में एपेटाइट कम रहेगा, स्पेशली इफ दे आर गोइंग टूवर्ड्स अ फीवर देन एपेटाइट तो बिल्कुल कम रहेगा. एंड डजेंट वॉन्ट जंक एंड लिसन्स टू द मदर, जंक नहीं खाता है बिल्कुल, और थर्स्ट उसको लगता नहीं है, ओके ओके है, मोशन ठीक है, यूरिन भी ठीक है, परस्पिरेशन प्रोफ्यूज सिंस बर्थ ऑन द हेड एंड थर्मली ही इज टूअर्ड्स हॉट. सो दिस इज द जनरल हिस्ट्री और उसका जो नेचर है. आई ट्राई टू गिवन यू द होल थिंग दिस इसमें जो भी आई गॉट. मदर सेड दैट यू नो ही इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड. जो भी कुछ थोड़ा बोल देंगे कि ये नहीं करना है चलेगा, ही विल लिसन टू द मदर. ही इज इजिली यू नो डिसिप्लिन कर सकते हैं अच्छे से. लाइक्स टू पेंट, स्टार्ट्स स्टार्टेड टू मिंगल वेल नाउ. मुंबई से लोग बैंगलोर आए थे, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग प्रॉब्लम था पर स्टार्टिंग प्रॉब्लम ही रहता है उसको क्योंकि स्टार्टिंग में उसको गुस्सा नहीं होता है, अच्छे से सुनता है बच्चे को, ओबीडियंट एंड नाइस, वेरी अच्छा बच्चा है. और फियर्स क्या है पूछा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिक में आते ही वो मेरे को देख के रोना लगा कि क्या करने वाले हैं डॉक्टर. अभी पूरा का पूरा विदड्रॉइंग था, डिड नॉट स्पीक कुछ भी नहीं. आई ट्राई टू गेट थ्रू हिम एज मच एज आई कुड, नहीं हुआ. नाउ इस केस हिस्ट्री के बाद आई विल शो यू समथिंग. उससे पहले आई वॉन्ट टू क्विक, वी हैव ओनली 10 मिनट्स. सो विथ दिस केस हिस्ट्री वॉट डू यू थिंक द रेमेडी कैन बी गिवन. Case took, we did the case taking, right? So this is a very nice case because I will show you something after this that will help the prescription very, very easy. Like go, dina, or bataiye. Arsenic, bryonia. Antim fruit. Okay, overall, arsenic mila, bryonia mila, lyco mila, stina mila. Not bad, you have gone through the case properly. Now I will show you the video. Okay. Sorry. That piteous weeping and answers एक एक शब्द. When I ask something, एक एक शब्द में ही बात कर रहा है, कुछ ज्यादा से ज्यादा बात नहीं कर रहा. So I gave Pulsatilla and 5 दिन के लिए दिया था. अगर फीवर ज्यादा हुआ तो आई हैड गिवन फेरम फॉर 6x, बट विद जस्ट Pulsatilla एंड NS ही डिड रियली वेल. आई फॉरगॉट टू पुट द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज ही केम इन एंड ही वॉज वेरी वेरी अप्रोचेबल ऑल्सो. So I gave Pulsatilla and we know Pulsatilla. Pulsatilla को
पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. आई नो दैट वी आर रनिंग लेट ऑल्सो. सो दिस इज इफ देर एनी क्वेरीज आई वुड लाइक टू टेक अप. एंड अगर कुछ और ज्यादा पूछना चाहोगे आप मेरे को हमेशा ईमेल कर सकते हैं. एंड क्या दैट इज आज के लिए बस इतना. हाँ, बहुत बढ़िया रहा शीतल जी, आप अपने आप की पिटी को हटा सकती एक मिनट मैं कर स्टॉप हैं। हाँ, किन्हीं को कोई सवाल हो तो पूछ सकती हैं मैडम को। एनी क्वेश्चन, अगर दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। चैट बॉक्स में एक मैं बोलना चाहूंगा शीतल जी, आपने बताइए सर. क्या एक मैजिक का यूज किया है। मैजिक मैजिक जादू। अच्छा मैजिक हाँ, तो मैं थोड़ा सा मैजिक के विरोध में हूँ। मैं मैजिक इसको नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इट इज योर कॉन्फिडेंस एंड इट इज योर क्लैरिटी ऑफ माइंड। बिकॉज मैजिक नहीं होता है कुछ। मैजिक बिल्कुल. का होता है कि समथिंग दैट हैपेंस विदाउट एनी लॉजिक। बट आप जो कर रही हैं, जो होम्योपैथी में है, इट इज ए हनीमन ने भी लिखा है, इट इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कैलकुलेटिव वर्क है। और ये बिल्कुल कैलकुलेटिव वर्क को हम लोग मैजिक करके बोल करके थोड़ा सा इसको इसका सम्मान को इसको डिट्रेट नहीं कर सकते। इसलिए मेरे को एक लग रहा है, एक समय याद रहा है, मैं पीजी का गाइड था, कोऑर्डिनेटर भी हूँ था उस समय में। तो एक ने टॉपिक चुना, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उन्होंने टॉपिक चुना मैजिक ऑफ होम्योपैथी। तो ओ मैंने बोला कि आप बहुत जादूगर हैं क्या, आप इसमें क्या जादू क्या दिखलाइएगा, क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब इसमें हम लोग बताएंगे कि होम्योपैथी से कैसे ठीक होता है, कैसे ठीक। तो बोले कि आप ये प्रोसीड्योर है, ऐसे तो कोई भी कर सकता है, जो आदमी प्रैक्टिस जो उसको सिस्टम को फॉलो करेगा कर सकेगा, तो इसमें जादू कहाँ। एंड आप मानेंगे कि मेडिकल साइंस में या साइंटिफिक वर्ल्ड में किसी भी चीज को हम लोग ये जादू के रूप में अगर स्वीकार करते हैं तो दैट इज नॉट साइंटिफिक। That's true. तो मैंने उनको समझाया कि आप अपना टॉपिक, आप जो करना चाहती है एग्जैक्ट अपना ऑब्जेक्टिव बनाइए और उस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करके आप ये करके आपने करिए। तो उन्होंने इसको बात को माना और चेंज किया, फिर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना। क्योंकि एम्बिग्युटी एंड मैजिक ये होम्योपैथी को बर्बाद कर देगा। एम्बिग्युटी हम बहुत बढ़ा चढ़ा करके कुछ बोले और या कुछ इसको ऐसा बता दे कि बहुत ही जादूगर का चीज है, तो यानी कि इसे कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे जादू सीखने की जरूरत है ना। किसी का शिष्य बन जाइए और उसके पीछे लग जाइए और वो आपको ऐसा मंत्र दे देगा कि आप सारा काम कर लेंगे। सारे मंत्र तो मेटिटा मेडिका में है तो फिर कहीं जाना लिप्त लिप्त नहीं है. को और ऑर्गेनिन को और रिपोर्ट्री को जिस बिल्कुल खूबी से आपने प्रेजेंट किया और आपने जो अपने स्लाइड्स में बताया ऑब्जर्वेशंस, है ना, इतना ब्यूटीफुल वर्ड है ऑब्जर्वेशंस। आप देख रहे हो और देख करके सामने में आपका घटना घट रहा है, दैट इज ए रियलिटी, दैट इज नॉट ए मैजिक। आपका क्लैरिटी, आपका कॉन्शसनेस, आपका जो वहां पर अटैच हो रहा है, दैट इज द सिमिलिमम ऑफ योर माइंड गेटिंग विद द पेशेंट। एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी होता है कि हम लोग सिमिलिमम पेशेंट के साथ में क्रिएट कर ले। तो मैं कहता हूँ कि हम लोग सिमिलिमम दवा की बात करते हैं, लेकिन पेशेंट के साथ में हमने सिमिलिमम बनाया कि नहीं बनाया। और बनाया तो आपने जो 4 पॉइंट बताए वो इतना ब्यूटीफुल है कि आप उसको उसी को हाईलाइट्स करें। और एक्यूट केस में आपने बहुत अच्छा कहा कि समय नहीं होता है, बिल्कुल नहीं समय होता है। हम लोग के पास में भी बिजी रहते हैं ओपीडी, और उसमें
सैकड़ों मरीज को देखने हैं और हर एक मरीज को कम से कम हम 5 मिनट तो देंगे ना, एक मरीज को अगर नहीं देंगे तो अनजस्टिफाइड होगा। और 5 मिनट में अगर आप देखने का काम है तो आपके 4 पॉइंट तो बहुत सफिशियंट है ना। और उसको समझ करके आपके सामने में रिपोर्ट्री खुली होनी चाहिए, आपका इमीडिएट कैलकुलेशन हो सकता है। मैं एक केस मैं आपके सामने बताऊंगा, मेरे पास में 3 मिनट समय है, छोटा सा केस है, मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। एक बच्चे माँ जो है तो अपने बच्चे को लेकर के गोदी में लेकर के मेरे क्लिनिक के में, तो बच्चा बड़ा रो रो से रो रहा था, माँ घूम घूम करके उसको टहला रही थी। मैं भी आवाज़ सुना, मेरे कान में भी आवाज़ गया, मैं देखा। उसके बाद में मैं जब उसका अंदर आने का समय हुआ मेरे पास में, तो मैंने उसको ऑब्जर्व करता रहा, देखता रहा, देखा कि बच्चे को जहाँ वो खड़ी हो जाती है तो वो रोना उसका शुरू हो जाता है, चलते रहती है तो कैरेट डिजायर था ऑन द फास्ट। उसके बाद में मैंने पूछा, वो बहुत दिन से करीब करीब 2 महीने से व्हाइट स्टूल को पास कर रहा था और डायरिया था काफ़ी, उन्होंने होम्योपैथी एलोपैथी सभी दिखलाए थे। मैं बोला कि खाना क्या देती हैं, डॉक्टर साहब कुछ नहीं खाता है इसमें, जब तक पानी में हम चीनी मिला करके नहीं देते हैं तो ये नहीं खाता। और एक चीज मैं देखा, जब बच्चा जब रो रहा था तो उसके अपना उंगली जो है सब रोने के बाद मुंह खुला हुआ है और मुंह अपना उंगली को मुंह के अंदर में डाले हुए, तो चिल्ड्रेन पुटिंग माउथ जेस्चर्स में दिया हुआ है ना, थंब सकिंग, कैरेट डिजायर हाँ टू बी फिट हाँ डिजायर है ना, और वाइट स्टूल, 4 रूबिक्स मिल गए। और आप सभी के दिमाग में तो कोई दवा जरूर आ गया होगा है ना, सभी के दिमाग में आ गया होगा, और वह था कैल्केरिया कार्ब। कैल्केरिया कार्ब जो है तो उसको एक सिंगल डोज ऑफ द कैल्केरिया कार्ब जो कि 2 महीने से डायरिया हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था और वो ठीक हो गया। ये पावर ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, पावर ऑफ आप क्या देखे रोगी को, आप रोगी को देखने, रोगी के स्थली स्टूल को देख रहे हैं लेकिन वहां पर देखना क्या है, वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है। और आपने भी अपने केस में, तीनों केस में आपने ऑब्जर्वेशन के पावर को बताया, और ये डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा है परसेप्शन है ना। परसेप्शन अगर हमारे पास में हो जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत होते हैं। इसी तरह से एक्यूट केस को हैंडल करना मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है, खास करके फीवर के केस के। आप बैठो पेशेंट के सामने में, आपने कहा कि फीवर है, पूरा बॉडी गर्म होगा, फीवर का मतलब ही होता है बॉडी गर्म है, लेकिन उस समय में एक चीज तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, कौन सा पार्ट ठंडा है ना, कौन सा पार्ट ठंडा है। अगर वो पार्ट ठंडा है तो आपको दवाई तो दवा ही बता रहा है ना, पूरे शरीर ठंडे गर्म है और उसका पैर फुट जो है तो ठंडा है या उसका हाथ ठंडा है ना, ये चीज जो है तो आपका जो है कॉन्कॉमिटेंट की ओर दिखाई पड़ता है। अनकॉन्शियस पेशेंट में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं उसका ये। और मैंने किस तरह के आईसीयू में मैंने पेशेंट देखा जो कि बोल नहीं सकता है और वहां पर मैंने इसको इस फॉर्मूला को अपनाया था तो ये काम किया। बहुत शीतल ही जी आपने, बेहतरीन। हाँ शीतल जी आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया कि मुझे भी बोलने के लिए बाध्य होना पड़ा, थैंक यू। और हम लोग फिर इसमें इसी तरह से आप और आइए हमारे साथ में। और निशांत जी हम लोग के इंग्लिश के होस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, आप सेशन को क्लोज करेंगे मैडम को थैंक्स देते हुए, आप डॉक्टर धनेश जी को हैंड ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू निशांत सर। थैंक यू। सो थैंक यू नाउ।